ओके गाइस, हेलो एवरीवन। आज 12th अक्टूबर है। हम पहले एक काम कर रहे हैं, 11th का डिस्कस कर रहे हैं और 9th अक्टूबर का मैं कर चुकी थी। 11th के बाद 10th अक्टूबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। कल हम 13 में 11 12 का डिस्कस करेंगे और अभी आज 12 अक्टूबर है। मैंने एक्चुअली 10th अक्टूबर का तो कल रिकॉर्ड कर लिया था 11th अक्टूबर में, लेकिन 12 जो आज 12 अक्टूबर है, आज मैंने 11th अक्टूबर का रिकॉर्ड किया करंट अफेयर। तो पहले आप क्या करेंगे, अभी जो 12 अक्टूबर है, अभी पहले 11th का सुनेंगे और 10th का, दोनों दिन का वीडियो मैं एक साथ पोस्ट कर रही हूँ आपको, यहाँ सुनेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। 9th अक्टूबर तक का मैं कर चुकी थी, ये 11th और फिर 10th का सुने और अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक शेयर करें, अच्छे कॉमेंट्स करें, थैंक यू सो मच। और अब सुनना स्टार्ट करें वीडियो को और ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है? कोई कन्फ्यूजन हो पूछ लें ज़रूर, ध्यान से सुने। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी इंटरनेशनल बर्ड माइग्रेटरी डे, या इस तरह से याद रखिए वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, एक्चुअली ये है ही वर्ल्ड माइग्रेटरी डे। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, क्या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया है? तो 10th अक्टूबर को मनाया गया है। प्रवासी पक्षियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें, पूरे वैश्विक स्तर पर, तो पर्यावरणीय स्तर पर बहुत योगदान है और इनकी ज़रूरत भी है, तो इनके महत्व को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और या तो ये 9 मई को मनाया जाता है या 10 अक्टूबर को, तो ये 10 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी थीम, और याद रखिए, वर्ल्ड बर्ड कनेक्टेड टू आवर वर्ल्ड, क्या वर्ल्ड कनेक्टेड टू आवर वर्ल्ड, बर्ड कनेक्टेड, बर्ड BIRDS, बर्ड्स कनेक्टेड टू आवर वर्ल्ड, वर्ल्ड WORLD, वर्ल्ड, बर्ड्स कनेक्टेड टू आवर वर्ल्ड, ये थीम है। और क्या वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, वर्ल्ड WORLD, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 10th अक्टूबर को मनाया गया है, और अभी 9th को बताया ही था आपको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी वेस्टर्न कोल फील्ड के CMD कौन अपॉइंट हुए हैं, वेस्टर्न कोल फील्ड के CMD कौन अपॉइंट हुए हैं? तो हुए हैं मनोज कुमार। अभी नए CMD बनाए गए हैं वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, क्या नाम है पूरा, वेस्टर्न कोल यानी कोयला फील्ड लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, CMD तो मनोज कुमार ही हो गए, और 1979 यानी 1979 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी तटीय सुरक्षा अभ्यास किस राज्य, दो दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का समापन किस राज्य में हुआ है? हाल ही में अभी किस राज्य में दो दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का समापन हुआ है? हाल ही में अभी किस स्टेट में 2 days यानी दो दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का समापन हुआ है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, ये 2 days की थी और इसका भी समापन हुआ है केरला के कोच्चि में। कहाँ, केरल के कोच्चि में। आपको थोड़ी थकी हुई लग रही होंगी, मैं पूरे दिन से बाहर थी, अभी आई हूँ तो इसीलिए थोड़ा टायर्ड फील कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कि इस तरह लग रहा हो। तो केरला में भी ये मनाया गया है, यानी कि समापन हुआ है इसका एक्चुअली केरला के कोच्चि में, क्या इंडियन कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज थी तटीय सुरक्षा, ठीक है, तटीय सुरक्षा अभ्यास था, इंडियन कोस्ट गार्ड, गार्ड समझते ना, कवच इंडियन कोस्ट गार्ड। तो खैर, अब बात चली कोच्चि की, तो केरला की बात है, केरला के बारे में अक्सर आपको बताती रहती हूँ।
ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, कर्मी वोट रोबोट, तिरंगा पहल, आयु रक्षा कार्यक्रम, के शैलजा को WHO का सम्मान, और साथ ही मैं आपको बहुत कुछ बताती हूँ केरला के बारे में, के फोन प्रोजेक्ट, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट के फोन प्रोजेक्ट के तहत, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, प्लीज़ रिवाइज कीजिए। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है और साथ ही प्रिंट रिविजन चीफ मिनिस्टर हैं और तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौर स्वयं रोजगार योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो उत्तराखंड में सूरज कहा जाए तो एनर्जी पर बेसिक फोकस करके रोज़गार जनरेट करने के लिए, हरित ऊर्जा पर फोकस करके रोज़गार जनरेट करने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वयं रोजगार योजना ये शुरू की उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बेस टू एनर्जी पहल और स्मृति वन का उद्घाटन हुआ। हरेला पर फूलदेही महोत्सव मनाया जाता है। देहरादून ऑफिशियल कैपिटल है तो गैरसैंड कौन सी है? समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी? गैरसैंड। और एक जो है ई ग्रंथालय बनाए गए हैं और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट गवर्नमेंट सबकी बुक्स को ऑनलाइन कन्वर्ट करके एक लाइब्रेरी बनाई गई है। तो ये तमाम फैक्ट्स उत्तराखंड के हैं। और दृष्टि ऐप और होप पोर्टल ये उत्तराखंड में आया था। जो ये याद है त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसकी रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अंत तक ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन दुनिया के लोग अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे? किसकी रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 1.5 मिलियन दुनिया भर के लोग अत्यधिक गरीबी का शिकार हो जाएंगे 2021 के अंत तक? तो ये एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की। किसकी आई है? वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है कि 2021 के अंत आते आते कोरोना वायरस महामारी के कारण 1.5 मिलियन से ज़्यादा दुनिया भर में लोग बहुत ही ज़्यादा यानी अत्यधिक गरीबी में चले जाएंगे। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है 2021 के अंत में। कोई खुशखबरी नहीं मिलती, रिपोर्ट ऐसी ही मिलती है कि अभी तो अर्थव्यवस्था इतनी माइनस में है, ये वो कोरोना वायरस ने इतना नुकसान किया है कि लोग बेचारे परेशान ही रहते, हर तरफ लोग परेशान हैं। नहीं, हम सब लोग परेशान हैं। तो CFO कौन है ये वर्ल्ड बैंक की? अंशुला कांत। डेविड मालपास प्रेसिडेंट है वॉशिंगटन DC में। इसका हेडक्वार्टर है 1944 में स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जगन्ना विद्या कनुका योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? हाल ही में जगन्ना विद्या कनुका योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में शुरू की है जगन्ना विद्या कनुका योजना। ये जब इसकी लागू मतलब शुरू होने की घोषणा ही हुई थी, तीन योजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया था, जब घोषणा हुई थी तभी बताया था कि जगन्ना विद्या कनुका योजना अब लॉन्च होगी, ये पेशकश है आंध्र प्रदेश की। तो अब इसको मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने शुरू कर दिया आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसमें असल में क्या है विद्या कनुका योजना में, जगन्ना विद्या कनुका योजना, एक दिवीना जगन्ना विद्या दिवीना चल रही थी, ये जगन्ना विद्या कनुका है। इसमें जो बच्चों के ड्रेसेस हैं या स्टेशनरी के सामान हैं वो तमाम बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आपको बताया भी कि जगन्ना विद्या दिवीना भी चल रही थी और मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन भी, नव नालू पेतलांतरिकी कार्यक्रम भी, कोविड फार्मा निगाह ऐप, ये तमाम चीज़ें, और पापी कोंडा और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में। जगन मोहन रेड्डी बता दिया मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। तीन कैपिटल हो गई हैं, कुर्नूर जुडिशियल, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव और अमरावती लेजिस्लेटिव। तो याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केरल
एक मिनट, कुछ आंसर बता दिया। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में किस राज्य ने अभी किसान कल्याण बोर्ड की स्थापना की है? तो केरला में, केरला में किसान कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई है, यानी कार्शो के लिए छः मिनती बोर्ड, इसका नाम भी याद रखें, कार्शो के लिए छः मिनती बोर्ड, या फिर इतना याद रखिए सिर्फ केरल किसान कल्याण बोर्ड, इसकी स्थापना हुई है केरला में। अच्छा, केरला में हुई है तो अभी बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी के उषा किस राज्य की न्यायाधीश थी, किस राज्य की पहली महिला न्यायाधीश थी, इनका भी निधन हो गया। तो के उषा ये पहली महिला न्यायाधीश थी केरल हाई कोर्ट की, और इनका भी निधन हो गया। केरल के बारे में वैसे मैंने आपको भी बताया है, लेकिन नेशनल पार्क सुन लीजिए, पम्बडम शोला नेशनल पार्क, कौन सा, पम्बडम शोला नेशनल पार्क, और मध्य केकटक शोला नेशनल पार्क, मध्य केकटक शोला नेशनल पार्क, और एत्तिकुलम शोला नेशनल पार्क, ये तमाम याद रखिएगा। और शोला ट्रिक बताई थी कि आएगा अगर शोला तो कहाँ, केरला की बात है, केरला में की बात है, ठीक है, याद रखना है आपको। और केरला की बात करूँ तो केरला को SDG में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में आपको बताया था कि प्रथम स्थान मिला है, फर्स्ट स्टैंडर्ड SDG में इसका, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, और बाकी ऊपर बताया मैंने सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर तक पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करने वाला कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है? तो गोवा भारत का पहला राज्य बना है जिसने हर घर पेयजल पहुंचाने वाला, यानी हर घर पेयजल पहुंचाने के लिए कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया है, ऐसा पहला राज्य भारत का बन गया है गोवा। गोवा की हरमल मिर्च को GI टैग मिला था, जी हरमल मिर्च को, एक कोयला मिर्च को भी GI टैग मिला था, कोयला मिर्च, हरमल मिर्च, और मोयला केले को भी GI टैग मिल चुका है गोवा के, कौन सा, मोयला केला। ये GI टैग क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, इसको पहचान बनाने के लिए किसी भी राज्य की जो है GI टैग दिया जाता है, और जो एक खाजे प्रसाद है चर्चों में मिलता है उसको भी GI टैग मिल चुका है। गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर, और कल अभी ऊपर कॉज बताया था, और गोवा स्टेबलाइजमेंट या एस्टेब्लिशमेंट डे तो 30 मई, और गोवा में कौन कौन से, कोट्टे गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और बर्ड सेंचुरी कौन सी है, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क का है जम्मू एंड कश्मीर में, और बर्ड सेंचुरी गोवा में, और मोल्लम या फिर भगवान महावीर नेशनल पार्क भी है गोवा में, याद रखिएगा, ठीक है। ये मैंने कुछ नए फैक्ट्स भी जोड़े इसलिए आपको बताया है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा के व्हीलर द्वीप, जिसका नाम अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, इसी पर DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण करा है, किया है। मैंने आपको DRDO के बारे में भी बहुत बताया है, और उड़ीसा के बहुत से करंट अफेयर्स आपको बताए हैं, प्लीज़ आप रिवाइज़ कीजिए, मैं यही चाहती हूँ, और रिविज़न आपका परफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रदीप कुमार सिंह जी को किस देश में भारत का राजदूत अपॉइंट यानी नियुक्त किया गया है? तो नीदरलैंड में अभी नए भारत के एम्बेसडर बनाए गए हैं, कौन, प्रदीप कुमार सिंह, और ये अभी प्रदीप कुमार सिंह भारत के नए फॉरेन एम्बेसडर बने हैं नीदरलैंड में। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम, और नीदरलैंड की करेंसी क्या है आपको बहुत बार मैंने बताया है, क्या है करेंसी प्लीज़ बताइए, और प्रेसिडेंट कौन है, तो मार्क रूट, कौन है, प्रेसिडेंट मार्क रूट, ठीक है, तो आप याद रखेंगे, प्लीज़ याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी महाराष्ट्र के ATS के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो जय अजीत सिंह, महाराष्ट्र के नए ATS यानी एंटी टेररिज्म क्वाड्स के
प्रमुख बने हैं कौन? जयजीत सिंह, ATS महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के बहुत से फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, आप लोग रिवाइज करेंगे प्लीज़, ठीक है। तो वैसे नीदरलैंड की जो करेंसी है वो है क्या, गैस कर सकते हैं? यूरो करेंसी है, यूरो। क्या है? यूरो। मार्क रूट का नाम बताया है मैंने, प्राइम मिनिस्टर है, माफ़ कीजिएगा मैंने प्रेसिडेंट बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर है ये नीदरलैंड के, प्रेसिडेंट का नाम नहीं पढ़ा मैंने। मार्क रूट, एम्स्टर्डम तो कैपिटल बताई है, ये कैपिटल करेंसी क्या हो गई? यूरो। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी 2020 की फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में इस बार टॉप पे कौन रहे हैं? तो लगातार 13वीं बार टॉप किया है मुकेश अंबानी ने। जी हाँ, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में भी मुकेश अंबानी टॉप पर रहे हैं और ये लगातार 13वीं बार इंडिया में रिच लिस्ट यानी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में टॉप पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन यानी फॉरेस्ट और वन्य जीवों के लिए वन्य जीवों के लिए एक हेल्पलाइन 1926 लॉन्च की है? तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी वनों के लिए और वन्य जीवों के लिए 1926 हेल्पलाइन लॉन्च की है। कौन सी? 1926, याद रखिएगा, वनों के लिए और वन्य जीवों के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट वन है, आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का एडिशनल चार्ज किसे सौंपा गया है? तो अभी हमारे उपभोक्ता मामलों के जो मंत्री थे यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन थे? रामविलास पासवान। और अभी रामविलास पासवान साहब का यानी निधन हो गया, डेथ हो गई उनकी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय का एडिशनल चार्ज और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी सार्वजनिक वितरण मामलों का कौन सा? सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है, तो ये दो मंत्रालय हो गए यानी कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, इन दोनों का ही चार्ज सौंपा गया है हमारे रेलवे मंत्री प्रेजेंट टाइम के हैं पीयूष गोयल। तो प्रेजेंट टाइम पर इंडियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल को अभी ये चार्ज सौंपा गया है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार और यानी एडिशनल चार्ज और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का एडिशनल चार्ज यानी अतिरिक्त प्रभार। कैसा लगा आपको ये सेशन, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, हेलो एवरीवन, मैं नाइन्थ अक्टूबर का वीडियो आपको पोस्ट किया था, 10 अक्टूबर का वीडियो कर रही हूँ। आई होप सो कि आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट मैंने आपके लिए बनाया है। 10th-11th अक्टूबर का वीडियो मैं आज कर रही हूँ, 11th में ही कर रही हूँ, 10th और 11th का है। 9th अक्टूबर तक का मैं आपको करंट अफेयर पोस्ट कर चुकी हूँ। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट वॉच और क्यू सिल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पसंद आए मेरी मेहनत तो लाइक और शेयर अच्छे कमेंट भी करें। चलिए बिना टाइम को ज़ाया करते हुए चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया गया है? तो 9th अक्टूबर को। जो पोस्ट का महत्व है उसे उसके सामाजिक और आर्थिक मतलब आर्थिक और सामाजिक रूप से वो कितना महत्वपूर्ण है ये पोस्ट और लोगों को कितने लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है, क्या रोल प्ले करता है डाक, इन तमाम बातों को लेकर वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है हमेशा 9th अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 9th अक्टूबर को, तो याद रखिएगा वर्ल्ड पोस्ट डे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए किस राज्य ने अपना यूट्यूब चैनल डिस्टावो शुरू किया है? उच्च शिक्षा में लर्निंग के लिए किस राज्य ने अपना यूट्यूब चैनल डिस्टावो शुरू किया है? तो डिस्टावो ये एक यूट्यूब चैनल है जो हायर एजुकेशन में ई लर्निंग के लिए है, तो ये शुरू किया है गोवा ने। किसने? गोवा ने। प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर हैं, और जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, वही अभी एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं एज ए गवर्नर ऑफ गोवा ऑल्सो, यानी गोवा के गवर्नर का भी। और गोवा की बात करें, 19 दिसंबर 1961 में गोवा पुर्तगाल के चुंगल से मुक्त हुआ था। इसी चुंगल से मुक्त होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे। और दूसरी बात यह कि 30 मई को गोवा स्टेबलाइजेशन डे, गोवा इस्टेब्लिशमेंट या गोवा स्टेबलाइजेशन डे मनाया जाता है 30 मई को। गोवा में दो योजनाएं बहुत फेमस चल रही हैं इस टाइम, एक है सशस्वनी, ये मुझे अभी देखा है मैंने, मुझे पता नहीं था, मैंने परसों तरसों इसके बारे में पढ़ा, तभी मैंने ये योजना, नेशनल पार्क बताती हूँ लेकिन अभी गोवा की कोई योजना मैंने शायद आपको नहीं बताई थी तो इसलिए बता रही हूँ। सशस्वनी योजना, कौन सी? सशस्वनी योजना और एक स्वास्थ्य संघी, कौन सी? एक सशस्वनी और एक स्वास्थ्य संघी, ये दो योजनाएं चल रही हैं गोवा में। नंबर 1 स्वास्थ्य संघी, नंबर 2 सशस्वनी योजना, सशस्वनी और स्वास्थ्य संघी। एक है मोलम यानी भगवान महावीर नेशनल पार्क, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और भी हैं मैंने आपको बहुत बताए हैं। और एक है वहाँ गोवा में, हमेशा बताया करती हूँ कि डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में, और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इतनी बातें आप याद रखें। नए क्वेश्चन है, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं अभी? तो उनका नाम है उनका नाम बस इतना याद रखें, अल खसाब नाम, बस सरनेम याद रखिए, कोई इतना पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन लिया, अल खसाब, ठीक है, तो ये याद रखेंगे अल खसाब। कसाब नहीं, वो नहीं जिसको हैंग किया गया था, जो एक टेरर में जिसका नाम था, वो नहीं, ये अल खसाब करके एक नाम है जो मुझे भी पूरी तरह से, मैं इसको मैंने पढ़ा लेकिन मैं आई एम सो सॉरी कि मैं पूरा याद नहीं रख सकी, तो इसलिए मैंने जो मुझे जितना याद है मैंने उतना बताया आपको, अल खसाब करके आप याद रखेंगे। और वैसे मैं एक बार पूरा नाम अभी मुझे याद आ भी जाएगा तो मैं बता भी दूंगी आपको, ठीक है। अम्मान कैपिटल है जॉर्डन की, और दीनार जॉर्डन की करेंसी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाँ देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए किसने IRCTC के साथ मिलकर समझौता किया है? किसने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए IRCTC के साथ समझौता किया है? तो IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिस्ट कॉरपोरेशन, IRCTC की फुल फॉर्म है IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिस्ट कॉरपोरेशन। और किसने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए समझौता किया है इसके साथ? तो अमेज़ॉन इंडिया ने IRCTC के साथ समझौता किया है ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए। 1994 में अमेज़ॉन की स्थापना हुई थी, इसको अमेज़न भी कहते हैं, एक रिवर है, वो बहुत लार्ज रिवर है, मतलब लगभग देखा जाए तो सबसे लंबी नदी है अमेज़न, उसी के नाम पर ये अमेज़ॉन, ठीक है। और अमेज़ॉन के बारे में बाकी आप लोग जानते हैं, जेब वेजोस इसके हेड हैं। और आपको बता दूं कि अमेज़ॉन का हेडक्वार्टर सिएटल USA में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियो मोलेना की डेथ हो गई, ये कौन थी थे माफ़ कीजिए मारियो मोलेना की डेथ हो गई ये कौन थे? तो ही वॉज अ फेमस साइंटिस्ट ऑफ मैक्सिको, ही अचीव्ड
ही ओनली वन अचीवर ऑफ नोबल प्राइज फ्रॉम मैक्सिको, यानी कि ये कह सकते हैं कि मैक्सिको के सिर्फ एक अचीवर थे ये जिन्हें नोबल प्राइज मिला था, और ये साइंटिस्ट थे कौन, मारियो मोलेना, और इनकी अभी डेथ हो गई है ना। तो मुझे नाम से याद आया कि ये साइंटिस्ट तो थे ही, आपको बता दिया, लेकिन ये एक इकलौते सिंगल नोबल अचीवर ऑफ मैक्सिको थे। तो एक अकेले इकलौते मैक्सिकन साइंटिस्ट थे जो नोबल प्राइज़ के अचीवर थे, ठीक है, जिनको ये अचीवमेंट मिली थी कि नोबल प्राइज़ मिला था, याद रखिएगा, एक अकेले साइंटिस्ट। ओके, तो इतना आपको याद हो गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में फिनिक्स सेटलमेंट को किसने नेशनल हेरिटेज यानी राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है, तो साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट है, यहाँ पर जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे तो अफ्रीका जाहिर सी बात है गए थे तो वहाँ पर उन्होंने बहुत से मूवमेंट्स और न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह जो कुछ भी किया, तो उसकी कुछ मतलब वहाँ पर मेमोरीज यादगार हैं, तो जिनकी वजह से यादगार को मतलब वहाँ ठहरे थे वो गांधी जी, महात्मा गांधी, बापू गांधी जी, तो इसीलिए फिनिक्स सेटलमेंट में ये जब थे तो कुछ न्यूज़पेपर मूवमेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया था बापू महात्मा गांधी ने, तो इन्हीं के चलते अभी फिनिक्स सेटलमेंट को नेशनल हेरिटेज यानी राष्ट्रीय धरोहर स्थल दक्षिण अफ्रीका ने घोषित किया है। तीन कैपिटल हैं इसकी, ब्लोइनफोंटेन लेजिस्लेटिव है, सॉरी जुडिश माफ़ कीजिए जुडिशियल है, ब्लोइनफोंटेन जुडिशियल है, केप टाउन लेजिस्लेटिव है, और प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव है। क्या, केप टाउन कौन सी, लेजिस्लेटिव संसद है यहाँ, प्रिटोरिया कौन सी, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका वहाँ पर शासित है, ठीक, और जुडिशियल कौन सी, ब्लोइनफोंटेन, और सिरिल रामाफोसा प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड, ठीक है, याद रखिएगा साउथ अफ्रीकन रैंड। तो ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी 12,000 युवाओं को यानी यूथ को ट्रेंड करने के लिए 12,000 यूथ को ट्रेंड करने के लिए 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए या प्रशिक्षण देने के लिए किस राज्य ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ समझौता किया है, तो दिल्ली राज्य सरकार ने। दिल्ली ने एक प्लान बनाया है कि 12,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा कोडिंग में, किसमें, कोडिंग में। तो 12,000 युवाओं को यानी 12,000 यूथ को कोडिंग में ट्रेनिंग देने के लिए, किसमें, कोडिंग में ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली राज्य सरकार ने, किसने, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट, यानी दिल्ली यूटी भी है और कैपिटल भी है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक समझौता किया है यानी एग्रीमेंट साइन किया है। दिल्ली में आपको पता ही है इंडिया का पहला जो प्लाज्मा बैंक खुला, और पहला ही दिल्ली में ईवी चार्जिंग प्लाजा खुला। इसके अलावा बहुत से फैक्ट्स बताए मैंने, चाहे वो 5G प्लान हो, चाहे वो रक्षा प्रोग्राम हो यानी कार्यक्रम, और चाहे वो ऑपरेशन शील्ड हो, तो आप सबको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर किस राज्य सरकार ने सिद्धार्थ रेलवे स्टेशन रखा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। और उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स मैं बहुत बताती रहती हूँ, प्लीज़ आप मेरे पुराने वीडियो से रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि मुझे 2 दिन डिस्कस करना है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपको पता है, थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ, बस इतना ही सुन लीजिए। नौगढ़ रेलवे स्टेशन ये अभी नाम चेंज किया गया है, नौगढ़ का सिद्धार्थ, और ये यूपी में, बाकी रिवाइज़ कीजिए, ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस कवि को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो नित्यानंद नायर को।
नित्यानंद नायर, ये उड़िया भाषा के कवि हैं, उड़ीसा के हैं और इन्हें अभी सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्लीज़ उड़ीसा के करंट अफेयर रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी AMFI का अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इसके अभी अध्यक्ष चुने गए हैं नीलेश शाह। कौन चुने गए हैं? नीलेश शाह, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फॉर्मूला 1 से हटने की घोषणा कर दी है? हाल ही में अभी किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फॉर्मूला 1 से हटने की घोषणा की है? तो होंडा ने 2021 के बाद, जी हाँ 2021 के बाद अब होंडा फॉर्मूला 1 के किसी भी जो ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, जो फार्मूला 1 के या जो भी फार्मूला 1 के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब जो भी गेम्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा होंडा 2021 के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17 नवंबर को ब्रिक्स का सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? हाल ही में 17 नवंबर का ब्रिक्स सम्मेलन 17 नवंबर का ब्रिक्स सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, ये पहले सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में होना था, रशिया में एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, लेकिन अब ये वर्चुअली होगा, यानी कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यानी ऑनलाइन होगा, और इसकी अध्यक्षता तो अब भी रूस करेगा, लेकिन ये अब वर्चुअल होगा। पहले जब होता, जब मतलब बाकायदा ऑफिशियली तो अब भी होगा, लेकिन ऑफलाइन होता तो सेंट पीटर्सबर्ग में होता, लेकिन अब ये वर्चुअल है, लेकिन इसकी अध्यक्षता अब भी रशिया ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की प्लीज़ करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इसराइल के साथ समझौता किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इसराइल के साथ समझौता किया है? तो इसराइल के साथ समझौता किया है मेघालय ने अभी अपने यहाँ के किसानों की हालत बेहतर बनाने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का फैसला किया है, और इसके लिए उसने इसराइल के साथ यानी मेघालय गवर्नमेंट ने इसराइल के साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चालू वित्त वर्ष में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी यानी अपने देश भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? इंडिया की जीडीपी करंट ईयर यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में वर्ल्ड बैंक ने कितने परसेंट रहने की अनाउंसमेंट की है, या जो भी है, जो भी कहें आप, घोषणा की है? तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में यानी चालू वित्तीय वर्ष में जो अपने देश भारत की जीडीपी रेट रहेगी वो कितनी रहेगी? -9.6। कितनी? -9.6। अंशुलाकांत CFO हैं और डेविड आर मालपास प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक के 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, और Washington DC में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए एक फैक्टर बता दूँ मैं, ज़रा सा मुझे याद आ गया है तो इनका नाम बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट तो नहीं है फिर भी बता देती हूँ। विसर अल खसाब थोड़ा टफ है ना, इसीलिए भूल गई थी मैं भी। विसर मुझे याद नहीं आ रहा था कि निसर है कि विसर है, पर मुझे कंफर्म हुआ खुद ही में कि विसर अल खसाब क्या नाम है, विसर अल खसाब, यही जॉर्डन के प्रधानमंत्री बने हैं नए, और जॉर्डन के बारे में मैंने बताया था आपको। और ये जो वर्ल्ड पोस्ट डे जो 9 अक्टूबर को मनाया गया है, क्योंकि 10-11 का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं ना हम, तो ये जो बनाया गया है इनको वर्ल्ड पोस्ट डे जो 9 अक्टूबर को मनाया गया, इसका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया के यानी पूरी दुनिया में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, इसके लिए भी इसको चिन्हित करने, इसके प्रति जागरूक करने के लिए भी इसको मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था सेशन, बताइए कैसा लगा आपको।